बधाई हो। तो देश हित में मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 8 रुपए महंगा कर दिया गया है। सरकार बनने के अगले दिन से ही महंगाई मैन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जुलाई तक एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1646 रुपए थी, जो अब बढ़कर 1652 रुपए 50 पैसे हो गई है। अब इसका असर ये होगा कि रेस्टोरेंट में खाना खाना महंगा हो जाएगा और फिर आपको अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। और ये तो केवल शुरुआत है, कुछ दिनों में त्योहार का महीना आ जाएगा, फिर मोदी सरकार खुला वसूली पर उतर आएगी। बाकी सब्जी दाल चावल पहले ही महंगा है, दूध के दाम भी सरकार बनते ही मोदी जी ने बढ़ा दिया था और फिर एक बार सिलेंडर महंगा हो चुका है। कुल मिलाकर ये तय है कि अगले 5 साल मोदी जी आपको महंगाई और टैक्स के नाम पर जमकर लूट कर खुद सत्ता का सुख भोगने वाले हैं। प्रधानमंत्री अपने अमीर साथियों के साथ मौज करेंगे और देश का आम और गरीब आदमी दो वक्त के निवाले का भी मोहताज हो जाएगा।